आज हम लोग सफोकेशन के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। जैसा कि मैं पिछले 3 दिन से जो क्लास ले रहा हूँ उसमें हम लोग वायलेंट एस्फिक्सियल डेथ के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले दिन हमने हैंगिंग पढ़ा, दूसरे दिन हम लोगों ने स्ट्रेंगुलेशन पढ़ा और आज का टॉपिक है सफोकेशन। तो टॉपिक शुरू होने से पहले मैं ये आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि सफोकेशन और बाकी जो हैंगिंग और स्ट्रेंगुलेशन है इन इनमें बेसिक अंतर क्या है। तो जो हैंगिंग और स्ट्रेंगुलेशन था उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से गले को दबाया जा रहा था, चाहे वो लीगेचर से हो, चाहे वो बाम्बू स्टिक से हो, चाहे वो अपने हाथों को कंप्रेस करके हो, ऐसा कहीं ना कहीं से कंप्रेशन बनाया जा रहा था, गले को दबाया जा रहा था। लेकिन सफोकेशन में क्या होता है, सफोकेशन थोड़ा सा अलग है। सफोकेशन में गले को नहीं दबाया जाता, एयर पाथवे को ब्लॉक तो किया जाता है बट उसमें गले को नहीं दबाया जाता है। नॉर्मली सफोकेशन में क्या होता है कि मुंह और नाक के जो ओपनिंग्स हैं उसको दबा दिया जाता है ताकि हमारे लंग्स तक जो है एयर ही ना पहुंच सके। तो डेफिनेशन के तौर पर अगर अपन देखें तो सफोकेशन इज अ फॉर्म ऑफ एस्फिक्सिया कॉज्ड बाय ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयर टू द लंग अदर देन कंप्रेशन ऑफ द नेक एंड ड्राउनिंग। अदर देन द कंप्रेशन मतलब ऑब्स्ट्रक्शन तो होगा बट गले का कंप्रेशन नहीं होगा। तो उसमें पहला टॉपिक है स्मूथरिंग, दबाना या ढक देना। स्मूथरिंग इज अ फॉर्म ऑफ एस्फिक्सिया कॉज्ड बाय मैकेनिकल ऑक्लूजन ऑफ एक्सटर्नल एयर पैसेज। मैकेनिकल ऑक्लूजन ऑफ एक्सटर्नल एयर पैसेज मतलब नाक या माउथ को अपने हैंड या क्लोथ या प्लास्टिक बैग या किसी अदर मटेरियल से दबा देना या ढक देना या क्लोज करना, जिससे कि एयर जो है लंग्स तक ना पहुंच पाए। दूसरा है सुसाइड बाय स्मूथरिंग। सुसाइडल स्मूथरिंग बाय हैंड इज रेयर। सुसाइड इज पॉसिबल बाय ब्यूरिंग द फेस इन मैट्रस। मतलब अगर फेस को मैट्रस में दबा दिया जाए तो थोड़ा सा एक पॉसिबिलिटी बनती है सुसाइड का। सुसाइडल सफोकेशन कैन बी अफेक्टेड बाय ट्राइंग ए पॉलीथीन और सिमिलर बैग ओवर द हेड। पॉलीथीन को अंदर ऊपर से हेड में डाल के उसको कस के बांध दिए तो एयर ब्लॉक हो जाएगा और अनकॉन्शियसनेस होगा, फाइनली मृत्यु हो सकती है। ओके, एक्सीडेंटल स्मूथरिंग क्या होता है। मोस्ट फेटल स्मूथरिंग इज एक्सीडेंटल। इन्फेंट्स कवर्ड विथ हेवी ब्लैंकेट और बेडिंग विल डाई ऑफ स्मूथरिंग। चिल्ड्रन में भी सफोकेटेड एक्सीडेंटली वाइल प्लेइंग विथ प्लास्टिक बैग्स। इट ऑल्सो ऑकर्स इफ द मेम्ब्रेन्स रिमेन राउंड द हेड। बहुत सारी चीज़ होती है। एक्सीडेंटल स्मूथरिंग नॉर्मली बच्चों के साथ होता है, खेलते खेलते वो गद्दों वगैरह में दब जाते हैं, ब्लैंकेट वगैरह से नाक और मुंह का बंद हो जाना, तो इस कारण से जो है एक्सीडेंटल स्मूथरिंग हो सकती है। होमिसाइडल स्मूथरिंग। होमिसाइड इज पॉसिबल व्हेन द विक्टिम इज ऑन ड्रग ड्रिंक वेरी वीक चाइल्ड ओल्ड पर्सन और इल हेल्थ। यूजुअली द माउथ एंड नोज आर क्लोज्ड बाय हैंड और क्लोथ। पोस्टमार्टम चेंजेस देखते हैं क्या क्या हो सकता है। वेन द फेस इज प्रेस्ड इन द पिलो द स्किन अराउंड द नोज एंड माउथ में अपीयर पेल और वाइट। लिप्स गम्स एंड टंग में बी शोन ब्रूइश। हेड एंड फेस में शो इंटेंस कंजेशन एंड साइनोसिस। टंग में भी प्रोट्रूटेड एंड माइट बी बिटन। स्क्रैचेस नेल मार्क्स और लेसरेशन में भी सीन ऑन द विक्टिम्स फेस। इंटरनली चेंजेस क्या क्या होता है पोस्टमार्टम के दरम्यान हमको जो देखने को मिलेगा वो होता है लंग आर कंजेस्टेड क्योंकि एयर का पाथवे जो है क्लोज होता है। एडिमिटस एंड शो एरिया ऑफ हिमोरेज। इंटरनल ऑर्गन्स आर डीपली कंजेस्टेड एंड समटाइम्स शो स्मॉल हिमोरेज। इफ ए पर्सन इज ब्यूर्ड अलाइव अर्थ एंड सैंड मे बी फाउंड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सेकेंड टॉपिक है गैजिंग। गैजिंग का मतलब होता है ढक देना या दबा देना। दिस इज अ फॉर्म ऑफ एस्फिक्सिया टाइप ऑफ डेथ। हियर ए पीस ऑफ क्लोथ इज फोर्स्ड इन टू द माउथ। ए पीस ऑफ क्लोथ इज फोर्स्ड इन टू द माउथ। किसी क्लोथ को किसके माउथ में ऐसे पूरा डाल देना, भर देना। सफिशियंटली टू ब्लॉक द फेरिंग्स विच विल कॉज एस्फिक्सिया। द माउथ एंड नोज मे बी क्लोज विथ क्लोथ और एनी अदर सिमिलर मटेरियल। दिस इज डन इन होमिसाइड एंड इन्फेंट्स आर वेरी कॉमन। नेक्स्ट है चोकिंग। चोकिंग इज अ फॉर्म ऑफ एस्फेक्सिया कॉज्ड बाय एन ऑब्स्ट्रक्शन विद इन द एयर पैसेज।
ऑब्स्ट्रक्शन विद इन द एयर पैसेज जनरली द ऑब्जेक्ट एक्साइट्स वायलेंट कफिंग एंड एक्सपेल द ऑब्जेक्ट्स बट इफ इट फेल्स इट रिजल्ट इन टू चोकिंग डेथ ऑकर्स ड्यू टू एस्फिक्सिया वेगल इनहिबिशन लैरिंजियल स्पास और ब्रोंकोस पास। क्या होता है, कोई ना कोई ऐसा मटेरियल है जो कि हमारे पाथवे में फंस जाता है। कोई भी प्रकार का कोई ऐसा कुछ मटेरियल जो है वो हमारे एयर पाथवे को चोक कर देता है, जिसके कारण से हमको खांसी आती है। अगर वो खांसी के द्वारा वो चीज़ बाहर निकल जाती है तो अच्छी बात, अगर वो नहीं निकल पाती है और वो अटके रह जाती है तो वो एस्फिक्सिया क्रिएट कर सकता है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस इसका क्या है, डेथ फ्रॉम चोकिंग इज यूजुअली एक्सीडेंटल इन ऑकर्स ड्यू टू फूड। नॉर्मली क्या होता है, फिश का जो बोन है, आर्टिफिशियल जो डेंचर मतलब दांत वगैरह जो यूज़ किया जाता है, फॉरेन बॉडी है, कोई सिक्का है, कुछ मार्बल है, कोई कोई पी है, कोई मटर के दाने, ऐसा कोई चीज़ जो है वो अटक जाता है। नॉर्मली ये बच्चों में देखने को मिलता है, जो जिसके अटक जाने के कारण जो पाथवे है वो चोक हो जाएगा और चोक हो जाने के कारण से एस्फिक्सिया हो जाएगी और उसके कारण से मौत हो जाती है। सुसाइडल चोकिंग इज रेयर एक्सेप्ट इन मेंटल पेशेंट्स और प्रिजनर्स हु थर्स्ट ए फॉरेन बॉडी इनटू द थ्रोट। नेक्स्ट है कैफे कोरोनरी, ये एक अलग ही नाम है, अलग ही चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको। दिस इज ए कंडीशन इन विच ए हेल्दी बट ग्रोसली इंटॉक्सिकेटेड पर्सन रेस्टोरेंट पर पैटर्न हु बिगिन्स हिज मील सडनली टर्न्स ब्लू कप्स वायलेंटली कोलैप्स एंड लेटर डाइस। द ऑटोप्सी रिपोर्ट रिवील्स ए बोलस ऑफ फूड बिगिन बींग स्टक इन द लैरिंग्स। क्या हुआ, कोई आदमी है, कहीं पर खाना शुरू किया, वो खाना शुरू करते ही वो सडनली क्या करता है, खांसने लगता है, बहुत बहुत जोर से खांसने लगता है, बहुत खतरनाक ढंग से खांसने लगता है। वो उसका वो कुछ चीज़ है जो अटक रहा है उसको निकालने की कोशिश करता है बट वो नहीं निकाल पाता। थोड़ी देर के बाद वो कोलैप्स हो जाता है, अनकॉन्शियस होता है और थोड़ी देर बाद वो मर भी जाता है। अटॉप्सी में जब पता चलता है, अटॉप्सी करते हैं निकालते हैं तब पता चलता है कि उसका जो खाने का जो एक निवाला है या जो कुछ भी वो चीज़ खाया था वो क्या हुआ था, उसके लैरिंग्स को ब्लॉक कर दिया था। सडनली खाने के कारण से लैरिंग्स में जाकर वो फंस गया और जो डेथ हो जाती है वो हार्ट के अटैक आने के कारण से हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट, ए बॉल ऑन द ब्लो ऑन द बैक और द स्टर्नम मे कॉज कफिंग एंड हेल्प्स टू एक्सपेल द फॉरेन बॉडी। अगर पीछे से ब्लो किया जाए तो वो हो सकता है जो मटेरियल फंसा है उसको बाहर निकलने में आसानी हो। ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया, ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया क्या है, ये ऐसा इस टाइप का एस्फिक्सिया है जिसमें चेस्ट पर कोई ना कोई प्रकार का ट्रॉमा लग जाता है, या कोई खेलते खेलते कहीं किसी के सीने में जोर से मार देना, क्रिकेटर वगैरह जो लोग होते हैं उसके सीने पे जोर से बॉल आकर लग जाना, कहीं से गिर के सीने में चोट लग जाना, जिसके कारण से सडनली जो रेस्पिरेटरी जो मूवमेंट है वो नॉर्मली बंद हो जाता है, कुछ देर के लिए रुक जाता है, कहीं से जोर से गिरना और छाती के बल गिर जाना, तो ये जो ट्रॉमा के कारण जो एस्फिक्सिया क्रिएट होता है ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया कहलाता है। द ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया मे बी ड्यू टू प्रेशर ऑन द चेस्ट फ्रॉम अनकंसर्न्ड मूवमेंट ऑफ ए पर्सन इन ए क्राउड एग्जाम्पल इन स्टैम्पेड लॉस ऑफ स्पेस विद इन ए व्हीकल व्हेन इट इज कंप्रेस्ड और कोलैप्स इन ए रोड एक्सीडेंट। पोस्टमार्टम अपीयरेंस, डीप साइनोसिस ऑफ द फेसेस, न्यूमरस पैचे, ए डिमेक्रेशन लाइन, फेस लिप्स स्कैल्प मे बी सोलन एंड कंजेस्टेड, द लंग आर यूजली डार्क, इंटरनल ऑर्गन आर कंजेस्टेड, फ्रैक्चर ऑफ द रिब्स मे ऑकर एंड इंजुरी टू द लंग एंड हार्ट। आज के लिए इतना ही।